Hit a switch on a stick and convert it. You can't chill in the traffic and purchase. And niggas be having the time of their life till we pull up, not even nervous. And I got my eye on feel like a hawk. One in the hand of conversions. See, I got a gift and a curse. I let shorty give what she worth. I know one day I gotta leave Earth, so I gotta give them this word. I was already set when they got started, they ain't wanna see me at first. And I already stuffed about 10 into 40, so don't make me quench my thirst. If I spin through your block and I'm purging, fuck a Gucci, I'm back in my Birkin. Hit a switch on a stick and convert it. You can't chill in the trap, make a purchase. And niggas be having the time of their life till we pull up, now they nervous. And I got my eye on the... ब्रेजा लेने का सबसे बड़ा रीजन ये था कि एक तो बजट में आ रही थी हमारी बजट जो थी 8-8.5 लाख की थी और उसमें बहुत अच्छी फिट बैटरी थी और 8.5 ऑन रोड के प्राइस में अगर आप देखो तो एक नेक्सॉन आती है सिर्फ जिसमें आपको पावर विंडो भी नहीं मिलता है बैक में और म्यूजिक सिस्टम भी नहीं मिलता है और एक यही मारुति की है गाड़ी जिसमें आपको 4 स्टार रेटिंग है एक तो, दूसरी ये वैल्यू फॉर मनी है, इसमें आपको काम की सारी चीजें मिल जाती हैं और इसमें दोस्तों ड्राइव एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है। ये गाड़ी मैंने लगभग 120 किलोमीटर चलाई है और इस गाड़ी में ना मुझे कहीं भी पावर लैग की कमी नहीं महसूस हुई और कंफर्ट गाड़ी है बहुत। तो भैया इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में थोड़ा कुछ बताइए, आपको इसकी बिल्ड क्वालिटी कैसी लगी? देखिए मैंने जब इस गाड़ी को जब देखने गया, मैंने नेक्सॉन भी देखी जी, तो नेक्सॉन और XUV300 को भी मैंने देखा, तो दोनों में जो प्लास्टिक की क्वालिटी थी वो बहुत ही अच्छी थी कंपेयर टू मारुति। लेकिन इसकी भी क्वालिटी कुछ एकदम ऐसी नहीं कि बहुत बुरी टाइप की, लेकिन थोड़ी सी हल्की महसूस होती है। मतलब अगर ये जो डैशबोर्ड की प्लास्टिक है जी और ये जो डोर की है ये बहुत मतलब हल्का सा प्रेस करने से दबने लगती है और लगती है कि ये डायरेक्ट ड्यूरेबल नहीं रहेगी। खैर वो तो है कि सुजुकी का थोड़ा प्लास्टिक क्वालिटी खराब है। 4 स्टार रेटिंग लाई है तो मुझे लगता है कि ये गाड़ी मतलब इसका स्ट्रक्चर जो है वो सेफ है, बाकी अंदर की जो क्वालिटी है प्लास्टिक की हो गई ये सब थोड़ी सी डाउन है, लेकिन जो प्राइस रेंज है उस पे हम कंसीडर कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो भाई ये सही बात बोले कि प्राइस रेंज जो है उस पे आप सेफ्टी को कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि मजे चाहिए आपको, है ना, आपके पास बजट नहीं है लेकिन आप एक कॉम्पैक्ट एसयूवी के ऑनर बनना चाहते हैं जी, जो कि एक बहुत प्राउड की बात है। तो ये आपको देगी ये गाड़ी, मतलब आपको एकदम फील कराएगी और मतलब आपको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा कि आपने गाड़ी लेके ठग लिया है, आपने ठगाया है। मुझे मतलब महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैंने 8.3 लाख मुझे ऑन रोड पड़ी, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मैंने 1 रुपये भी ज्यादा दिया है। अच्छा, खैर ये तो सुजुकी की एक खासियत है कि वो कम दामों में काफी अच्छा चीज प्रोवाइड करवाती है। एक और चीज बताइए, गाड़ी में आपको राइडिंग कंफर्टेबिलिटी कैसी लगी, कंफर्ट लग रही है कि नहीं चलाने में, ये बताइए। देखो गाड़ी ना चलाने में बहुत कंफर्ट है, मुझे कहीं से भी ऐसा महसूस नहीं होता था कि ये गाड़ी किसी पॉट होल्स पे वो करे। देखो जैसे मैंने एक रास्ता जो है ना थोड़ा उबड़ खाबड़, ये खेत ही एक तरह से मैदान है बहुत ही, लेकिन गाड़ी बड़े बड़े पॉट होल्स निकाल ले रही है और इवन थोड़ा सा जर्क भी महसूस नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये गाड़ी पता नहीं। और कई लोग ये कंप्लेन करते हैं कि गाड़ी में आवाज आती है पॉट होल्स वगैरह जाने से, लेकिन ऐसा तो मैंने महसूस नहीं किया है, शायद नहीं है इसीलिए नहीं हो रही है। और बाकी कंफर्ट तो अच्छा है, ये तो सीटिंग पोस्टर इतना अच्छा है, बोनेट पूरा दिखता है, इसमें आपको लंबर जैक सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाता है, काफी अच्छा सपोर्ट है, अल्टीमेट है। ये आप टॉप मॉडल में भी जाओगे तो यही सीट मिलेगा आपको, सब कुछ यही मिलेगा, तो मतलब कोई इश्यू नहीं है। और बात रही इसकी ड्राइव के एक्सपीरियंस की, वो भी बहुत अच्छा है, स्टीयरिंग बहुत लाइट है एकदम, मतलब पानी की तरह लाइट है, क्लच भी बहुत लाइट है और गियर भी बहुत स्मूथ है। मतलब गाड़ी मारुति के गाड़ियों में आपको ये चीजें इनसे रिलेटेड कभी इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये सब मारुति के इंजन जो होते हैं बहुत ही रिफाइंड होते हैं और बहुत ही मतलब क्वालिटी वाले इंजन होती है। एक तो ये इंजन पे आप CNG लगा सकते हो, बहुत प्यारा रिस्पांस है इसमें जी, CNG में इसमें अच्छा आपको एवरेज देखने को मिल जाएगा। CNG कमिंग सुन चल भी रहा है। अच्छा, तो धीरे से RTO में भी आप अपडेट करा सकते हो जब ये ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो जी। बाकी CNG में इसकी माइलेज भी ताबड़तोड़ है। तो भैया आपको ये जब से आप लिए हैं गाड़ी है, आपको कितने की माइलेज ये निकाल के दे रही है? मुझे ये गाड़ी अभी मुझे ये गाड़ी लगभग 15 सिटी में दे रही है। 15? हाँ, 14 से 15 दे रही है जी, क्योंकि मैं अभी इसको ज्यादा नहीं चलाया है मैंने, तो मैंने टैंक टू टैंक अभी चेक भी नहीं किया है, लेकिन माइलेज मुझे क्यों लगता है कि अच्छी देगी, क्योंकि जैसा मैंने कोई नई गाड़ी तो ली नहीं है यूनिक, ये तो सबके पास ब्रेजा बहुत गाड़ी है, और ये मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी आप लेके चल रहे हो और 15 की माइलेज ये सिर्फ मारुति ही पॉसिबल है। ये तो है, एसयूवी में आपको ऐसा माइलेज देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि अगर आप नेक्सॉन वगैरह लो, मेरे फ्रेंड के पास एक नेक्सॉन है जी, तो वो माइलेज से परेशान है, उसके एमआईडी में 12-11 शो करता है, जबकि वो बहुत स्मूथ चलाता है, और वो टैंक टू टैंक एक बार चेक किया तो उसमें 13.5 के आसपास आया। अच्छा, तो ये बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। टाटा की गाड़ियों में एवरेज का थोड़ा सा इश्यू है, बाकी बिल्ड क्वालिटी है, अब एक स्टार कम है। तो आपके मन में ये कैसे आया कि ब्रेजा ही लेनी है अपने को? देखिए, मैंने जैसे कहा कि एक तो मुझे बजट वाली गाड़ी चाहिए थी जी, और दूसरी मुझे मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस गाड़ी चाहिए थी जी। मैंने ब्रेजा से मैंने टोटल 3 गाड़ियां सेलेक्ट की थी, एक तो XUV300, नेक्सॉन और ब्रेजा, और मैंने एक लास्ट सेलेक्ट की थी इको स्पोर्ट्स। तो मैंने फिर 2 को हटा दिया, क्योंकि जो एक्सयूवी थी बेस मॉडल उसमें भी कुछ नहीं मिल रहा था, और नेक्सॉन में भी कुछ नहीं मिल रहा था, और मैं बाहर से कुछ भी लगवाना नहीं चाहता था इलेक्ट्रॉनिकली जी, मुझे सब कुछ स्टॉक चाहिए था, है ना। तो ये दोनों तो ऐसे ऑप्शन हट गए। हाँ। अब इको स्पोर्ट जो थी वो ट्रेंड वेरियंट से ही उसमें मिलता है सब कुछ। हाँ। ठीक है, लेकिन एक इशू ये थी कि जैसे मैं छत्तीसगढ़ अंबिकापुर में, हम लोग यहाँ मैं रहता हूँ, तो यहाँ पे इको स्पोर्ट्स का शोरूम ही नहीं है, है ना, शोरूम तो, सर्विस भी नहीं है। हाँ। अब मैं अगर गाड़ी लूंगा, अगर सर्विस कराने के लिए अगर मैं बिलासपुर जाऊंगा, हाँ, मैं 200-300 किलोमीटर जाऊंगा, तो फिर मुझे तो कॉस्ट ही बढ़ गया ना वो। हाँ। मुझे फ्री कॉस्ट भी मुझे 8000 पड़ जाएगा, तो इसलिए मैंने वो गाड़ी नहीं ली। बाकी स्पोर्ट्स जो अच्छी गाड़ी थी जी, वो भी बजट थोड़ी सी बढ़ा रही थी। और एक रीजन इको स्पोर्ट का क्या हो जाता है ना, यूजर्स उसको क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि उसका अभी तक ना बहुत दिनों से ना वही वर्जन चलते आ रहा है, फेसलिफ्ट वर्जन उसका नहीं आया। हाँ, हाँ। तो लोगों में ये डर रह जाता है कि हम ले लिए गाड़ी और अचानक से ऐसा हो कि फेसलिफ्ट वर्जन आ जाए, तो हमारा खरीदना बेकार हो गया। बाकी वो गाड़ी भी बहुत अच्छी है, मैंने इको स्पोर्ट्स भी चलाई है, लेकिन इको स्पोर्ट जो है वो उसमें जो मतलब स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है जी, और उसमें पिकअप और मतलब पावर डिलीवरी जबरदस्त है, गाड़ी बहुत अच्छी है वो। लेकिन बस यही है कि मैंने मारुति नहीं तो मैं इको स्पोर्ट्स लेता ही लेता, लेकिन मेरे पास सर्विस का इशू था, और यहाँ पे सर्विस नहीं है, इको स्पोर्ट्स की शोरूम भी नहीं है, तो मैं ऐसी जगह ये गाड़ी नहीं ले सकता। तो आपने एक सवाल और है भैया मेरा, किया की सोनेट आई हुई है, निसान की मैग्नाइट भी इसी रेंज में है। हाँ। तो आपने निसान की मैग्नाइट क्यों नहीं ली, साथ ही किया की सोनेट भी आप क्यों नहीं देखे? देखो, किया की सोनेट तो थोड़ी महंगी पड़ रही है जी, और काइगर में सोच रहा था जी, जो रेनॉल्ट की काइगर में देखने गया, लेकिन काइगर और मैग्नाइट दोनों में लुक वाइज नो डाउट बहुत अच्छी है। हाँ। एकदम अल्टीमेट लुक है। काइगर का तो नहीं पता, लेकिन हाँ, मैग्नाइट काफी सही दिखता है, बेहतरीन वोल्वो जैसी दिखती है। हाँ, हाँ। बस ना लेने का एक ही रीजन है, गाड़ी अंडर पावर है, वो तो एसयूवी के हिसाब से 1 लीटर इंजन वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो है वो जस्टिफाई नहीं कर रहा था। बाकी अगर किसी को सिटी राइड करनी है, कम चलना है ना, तो नो डाउट उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, इशू 1000 सीसी की गाड़ी भी कम नहीं होती है। हाँ। लेकिन खैर इसके मुकाबले वो अंडर पावर्ड ही होगी। हाँ। क्योंकि इसमें आपको 1.5 लीटर का इंजन देखने को मिलता है गाइस, और उसमें आपको 1 लीटर का इंजन देखने को मिलता है। हाँ। वो भी नेचुरली स्पिरेटेड इंजन है वो। अच्छा, टर्बो भी नहीं है वो, टर्बो वाला प्राइस उसका ज्यादा है। अच्छा, मैग्नाइट का टर्बो का प्राइस अपने को कितना पड़ेगा लगभग, आप पता करने गए होंगे? 60-70 हजार, 1 लाख प्लस था मेरे ख्याल से। अच्छा, मैंने उतना रेट का भी पता नहीं किया, क्योंकि मुझे वो गाड़ियों में यही सब कमियां लगी, और यहाँ भी ज्यादा रोड प्रेजेंस में नहीं है, नई गाड़ियां हैं तो रिस्क लेना बेकार है। हाँ, ये तो है। निसान की नई गाड़ी है वो, पहले देख लेते हैं खरीद लोग जो खरीद रहे हैं उनका रिस्पॉन्स क्या आता है। और ये गाड़ियाँ क्या है, 2016-15 में शायद इसका फेसलिफ्ट मतलब फर्स्ट लॉन्च हुई थी, तब से ये गाड़ियाँ कॉम्पैक्ट एसयूवी में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री है। हाँ, ये तो है। हाँ। हर महीने की इसकी सेल केवल बढ़ती जा रही है, 2 से 2.5 हजार पीस बिकती है। हाँ, हाँ। तो एक रीजन ये था, और हो गया ना, और कुछ ऐसा पूछिए। हाँ, अगर आप अभी आपके पास अगर हाँ, ये अभी आपके पास अगर लेने का अगर ऑप्शन रहे, इसको चलाने के बाद अगर आपको फिर मौका दिया जाए कि अब आप कौन सी गाड़ी लोगे तो आप क्या लोगे, ऐसे पूछ। तो भैया एक चीज और बताइए मेरे को जी। जैसे कि अभी आप ये गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हाँ। तो अगर आपको कोई दूसरी दूसरा गाड़ी चलाने का मौका मिले, हाँ। क्योंकि आप इसको तो चला चुके हैं, दूसरी गाड़ी को ऑन करने का अगर आपको मौका मिले तो वो कौन सी गाड़ी होगी? देखिए, अगर मुझे अभी भी अगर मुझे सेम अमाउंट, अगर मेरा बजट है, अगर मुझे मौका मिले तो मैं दोस्तों मैं यही गाड़ी लूंगा, मारुति की ही लूंगा। ऐसा मैं मारुति की लूंगा, हाँ हाँ। क्योंकि मुझे दोस्तों चलाने के बाद पता चला कि इसका जो मतलब कहीं से भी ये, हाँ। दोस्तों ये आपको कम नहीं लगती। एक तो लुक वाइज अल्टीमेट लुक है, जो जिसने भी इस गाड़ी को, मेरे फ्रेंड सर्कल जिसने भी देखा है उसने बस कहा है कि वाव। और लुक वाइज में तो नो डाउट, लुक भी जबरदस्त है दोस्तों, सर्विस भी मारुति की ठीक ठाक है, हाँ। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इस गाड़ी में कि आपको जेब पे भारी नहीं है, गाड़ी जेब पे भारी नहीं होती है दोस्तों, तो बहुत अच्छी लगती है चलाने में भी, हाँ, आपके चेहरे पे स्माइल आती है। ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछना कि आपने बेस मॉडल ही क्यों लिया, इसमें अच्छा क्वेश्चन है। एक बात और बताइए भैया, हाँ। आपने बेस मॉडल ही क्यों चुना? क्योंकि इससे ऊपर एक VXI आती है, उसमें आपको एलॉय व्हील्स देखने को मिल जाता है, तो बेस मॉडल ही आपने क्यों चुना? देखिए, नहीं, आपने सही कहा, बेस मॉडल मेरा लेने का रीजन ये था, एक तो बजट इशू था, चलो मैं बजट स्ट्रेस कर भी देता। इसका जो VXI वर्जन था जी, शोरूम वालों ने बहुत फोर्स किया मुझे कि आप VXI लीजिए, बेस है, कुछ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, झूठ मूठ का मुझे ऐसा कहा उन्होंने। खैर, ये तो अरीना वालों लोग का यही आदत है, तो सबसे गंदा। मैंने लेकिन उनकी बात नहीं सुनी, मैंने क्योंकि अच्छा हर जगह रिसर्च कर चुका था मैंने इस गाड़ी को लेकर, तो मैं तो श्योर था मुझे बेस लेना है जी। और VXI जो थी इससे वो 1 लाख रुपए, ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए महंगी थी, और 1 लाख महंगी होने के बाद मुझे क्या मिल रहा था एक्स्ट्रा? आपको LXI से क्या मिल रहा था? आपको देखिए, मुझे कुछ बेसिकली 4-5 चीजें मिल रही थी एक्स्ट्रा जी। पहली चीज ये थी कि स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल, हाँ, यहाँ पे तो क्रूज कंट्रोल आपको मिल जाएगा। क्रूज कंट्रोल नहीं था उसमें, ओनली वॉल्यूम कंट्रोल थे। अच्छा, तो वो वॉल्यूम कंट्रोल थे, तो मैंने देखो यहाँ से भी वॉल्यूम हम बढ़ा सकते हैं, हाँ। जबरदस्ती यहाँ पे देखो वो ऑप्शन नहीं, वो किसी को जरूरत है, किसी को नहीं है, मुझे उतनी नीड नहीं लगी वो, तो मैंने उसको कॉम्प्रोमाइज कर लिया। दूसरी थी, उसमें आपको रूफ रेल दिया हुआ था, वो भी मैं आफ्टर मार्केट लगा सकता हूँ, 2000 की बात है। तीसरी थी, उसमें ऑटो एसी थी, हाँ। ऑटो एसी वो भी मुझे कोई वर्थ इट नहीं लगी। लोग ऑटो एसी, मेरे फ्रेंड कई लोगों की गाड़ियों में वो मैनुअल ही यूज करते हैं, एक्चुअल में फैन स्पीड को अपने हिसाब से सेट करते हैं, मैनुअल हो जाता है। फिर दोस्तों कीलेस एंट्री थी, कीलेस एंट्री भी कुछ खास नहीं है, आपको वो भी कुछ बड़ी स्पेशल चीज नहीं है, अगर वो नहीं उसके बिना भी गाड़ी चलती है, हाँ, ये तो है दोस्तों। एक जो मेजर मुझे अच्छा लगा था, हाँ, जो मतलब जस्टिफाई कर रही थी, हाँ, वो थी उसकी डुअल प्रोजेक्ट LED, हाँ, ये तो है भैया। वो जो LED थी वो मतलब बेस्ट थी, अगर इसमें भी वो चीज देती ना, हाँ, तो वो अच्छी रहती, लेकिन डुअल प्रोजेक्ट LED जो थी उसके लिए 1 लाख रुपए देना वो वर्थ इट नहीं है, हाँ। एक चीज थी जो मतलब गाड़ी को लुक में एनहांस भी कर रही थी। खैर, इसमें भी आपको बेस मॉडल में एक प्रोजेक्टर, हाँ, हेडलैम्प तो मिल ही जा रहा है, और उसका भी, हाँ, लाइट थ्रो काफी अच्छा, हाँ, है, बहुत अच्छा है। और आपको उसमें मिल रहा था DRL मिलती है, जो इसमें शॉर्ट्स LED की लाइट की तरह काम करती है यहाँ पे, इसमें भी अच्छा। और उसमें एक इसमें और मिलती थी VXI में आपको व्हील कवर, अच्छा व्हील कैप, सॉरी व्हील कैप अब इसमें नहीं दे रहे हैं ना, व्हील कैप दोस्तों इसमें नहीं देती है। व्हील कैप दोस्तों मार्केट से आप लोग एलॉय व्हील जैसे लुक वाली जो आती है दोस्तों 2000-1800 में आती है, और वो लोग उसमें लगा के दे रहे थे, जो 1 लाख महंगी गाड़ी है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों कुछ जिसके चलते वो गाड़ी 1 लाख महंगी बेच रहे हैं। टायर साइज सेम थी, इंजन सेम था, AC सेम है, म्यूजिक सिस्टम है, 4 पावर विंडो है, जब सब कुछ अंदर इंटीरियर सेम है, तो दोस्तों 1 लाख रुपए देकर, हाँ, उस गाड़ी को लेना मुझे कहीं भी वर्थ इट नहीं लगा जी। उससे अच्छा अगर दोस्तों मैं इसमें अगर 1 लाख लगाऊं तो ये टॉप मॉडल बन ही जाएगा, प्लस डुअल टोन कर सकता हूं। ये बात सही बोले भैया, हाँ, कि 1 लाख रुपए अगर आप LXI वेरिएंट में खर्च कर रहे हो आफ्टर मार्केट, हाँ, तो आप इस गाड़ी को ZXI प्लस तो बना ही सकते हो, हाँ। आप इस गाड़ी को देखो, ये गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, जो ये बेस, अगर जो ड्राइविंग एंथुसियाज्म वाले हैं, जिनको ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा है, वो मतलब जो एक्सपीरियंस करते हैं, जिनको अच्छा लगता है ड्राइव करना और कार वगैरह में जो इंटरेस्ट है, उनको बेस ही लेना चाहिए ताकि वो अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सके। हाँ। खैर ये सब तो हो गई पॉजिटिव बातें। अब इस गाड़ी के थोड़ी नेगेटिव बातें बता दीजिए भैया, क्या आपको इस गाड़ी में अच्छी नहीं लगी ये बता दीजिए। अच्छा, नेगेटिव में अगर मैं बताऊं तो मुझे एक पहली बात बता रहा हूं आपको जी कि इसकी थोड़ी प्लास्टिक की क्वालिटी हाँ मुझे अच्छी नहीं लगी। ये तो सबका कहना है खैर, लेकिन प्राइस को अगर मैं देखता हूँ ना तो वो भी मुझे कंफर्ट मतलब वो भी मुझे जस्टिफाई कर देता है जी, ठीक है। फिर दूसरी बात अगर मैं इसके नेगेटिव करूं, बेस मॉडल में मुझे ये जो हाइट सीट की है एडजस्टेबल हाँ, वो नहीं देता। अच्छा, क्योंकि वो कभी क्या होता है मेरे घर में कुछ जिसकी हाइट कम है हाँ, तो कुछ वो उनको थोड़ा सा नीचे बैठना पड़ता है। अगर हाइट एडजस्टेबल देता तो नेगेटिव नहीं है वो, है हाइट एडजस्टेबल के ऑप्शन है हाँ, अगर आप टॉप में जाए तो आप ले सकते हो हाँ, लेकिन ये मैं चाह रहा था बेस में देता तो भी, लेकिन प्राइस रेंज के हिसाब से ठीक है। और नेगेटिव की बात अगर मैं बताऊं तो ऐसे एज सच और कुछ नेगेटिव तो इसमें है नहीं, बाकी सब कुछ अच्छा ही है। मुझे तो ऐसा कुछ नेगेटिव्स लगे, बाकी जो भी नेगेटिव्स हैं वो प्राइस को जस्टिफाई करते हैं, इसलिए कुछ बोल भी नहीं सकते। तो ये हुई ना बात कि आपको अपनी गाड़ी का नेगेटिव खोजने में ही दिक्कत हो जाए। तो ये सही लगा भैया, आपने इस गाड़ी में अब तक क्या क्या एक्सेसरीज लगवाया है। हाँ, मैं एक्सेसरीज की बात करूँ तो अभी मैंने इस गाड़ी में ₹1 भी एक्सेसरीज पे खर्च नहीं किया है। अच्छा, पूरी स्टॉक है ये? पूरी स्टॉक गाड़ी है हाँ। और शोरूम वालों ने मुझे बहुत फोर्स किया एक्सेसरीज के लिए। अच्छा, वो जो उनका 30,000 वाला पैकेज जो आता हाँ, है उनमें एक पैकेज आता है 32,000 का हाँ, हाँ, जिसपे वो नॉनसेंस चीजें दे रहे हैं हाँ, जो चीजें आफ्टर मार्केट अगर आप लगवाओ तो वो ऑलमोस्ट 15,000 के आसपास आती है। अच्छा, ठीक है। कुछ कुछ क्रोम की फिनिशिंग, क्रोम ग्रिल्स वगैरह है यहाँ अच्छा। कुछ कुछ क्रोम डोर्स वगैरह हाँ, वो साइड क्लैडिंग वगैरह कर हाँ, देते हैं क्रोम का, वो सब चीजें, व्हील कैप वगैरह देते हैं, तो वो सब चीजें प्राइस मतलब बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही ज्यादा प्राइस, डबल है जस्ट। और बाकी मैंने इसमें सोचा है आफ्टर मार्केट कुछ कुछ काम करवाऊंगा। जैसे भैया क्या क्या करवाने का सोचा है आपने? मैं सबसे पहले इसमें एक व्हील कैप लगवाऊंगा। मैं एक ऑनलाइन ऑर्डर करने वाला हूँ, आप उसको लिंक आपको शेयर कर दूंगा, बहुत अच्छा व्हील कैप है वो। तो भाई वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो। और ऑनलाइन एक व्हील कैप ऑर्डर किया है, साथ में एक ब्लैक स्प्रे पेंट भी ऑर्डर किया है। जो इसका रिम है, जो रिम जो है दोस्तों व्हाइट कलर का दिया है, सिल्वर कलर का, तो वो अगर आप लगाओगे व्हील कैप तो वो उतना खास अच्छा दिखेगा नहीं, तो उसको पेंट करना पड़ेगा। पेंट करेंगे अपन तो उसके बाद उस एलॉय को लगाएंगे, एकदम डायमंड कट एलॉय जैसा दिखता है वो व्हील कैप। ऑनलाइन है, बहुत अच्छा है वो हाँ, उसका रिव्यू। वो ब्रेजा के लिए आती है, वो ब्रेजा के लिए 16 इंच एलॉय, आप कहीं भी लगा सकते, नेक्सॉन लगा सकते हो हाँ, 16 इंच एलॉय के साथ 16 इंच साइज आती है, आप किसी भी 16 इंच लगा सकते हो जी। तो मैं उसको लगाऊंगा। फिर दोस्तों मैं एक रूफ रेल लगाऊंगा ऊपर में, वो भी 3M टेप से चिपका रहेगा, मैं ड्रिल नहीं कराने वाला। फिर एक दोस्तों मैं कुछ क्रोम के पीछे क्लाइडिंग वगैरह लगवाऊंगा हाँ। और सामने जो टॉप मॉडल में ZXI में लगता है सिल्वर स्किड प्लेट वगैरह जो लगता है वो लगवाऊंगा दोस्तों मैं हाँ। आफ्टर मार्केट ही लगाऊंगा मैं वो सब हाँ। और मैंने स्टेयरिंग पे लेदर की रैप कराऊंगा, उसको कराना है दोस्तों मुझे। और मुझे मैट एक खरीदना है। अच्छा हाँ, क्या सोचे आप, 7D मैट सोचे कि 3D मैट? 7D या 3D लूंगा, प्राइस देखूंगा जो जस्टिफाई करे। वैसे 7D में ले सकता हूँ क्योंकि वो ज्यादा लेयर में आते हैं, 2-3 लेयर्स होते हैं उसके, और वो अच्छा भी दिखता है हाँ, थोड़ा। और दोस्तों मैं हाँ, एक आर्म रेस्ट जरूर लगवाऊंगा हाँ, तो ये सही है भाई, शोरूम से लगवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि जो फिट एंड फिनिशिंग है वो दोस्तों आफ्टर मार्केट नहीं है, मैंने देखा है कई जगह हाँ, उसको मैं शोरूम से लगवाऊंगा। जो आर्म रेस्ट है, सिर्फ आर्म रेस्ट, क्योंकि स्लाइडिंग है, स्टोरेज भी है, और वो कंपनी फिटेड रहती है तो वो प्रॉपर वर्क भी करती है। अच्छा, तो शोरूम से आपको स्लाइडिंग वाला आर्म रेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, और शोरूम से ही दोस्तों मुझे एक सीट कवर भी लगाना है, क्योंकि सीट कवर का प्राइस जो है वो ऑलमोस्ट बाहर भी सेम है, 7 से 8 हजार के बीच है, और ब्रेजा की अच्छी फिटिंग वाली सीट कवर जो है वो शोरूम से मिल रही है। तो मैं सोच रहा हूँ सीट कवर जो है और ये आर्म रेस्ट मैं शोरूम से लगवाऊंगा। बाकी चीजें आफ्टर मार्केट ही करूंगा दोस्तों। ये सब चीजें मैं करने के बाद भी मैंने अगर इसको प्राइस को जोड़ा तो लगभग 20,000 के अराउंड मुझे पड़ रही है जी। और सोचो दोस्तों इस 20,000 लगाने के बाद मेरी गाड़ी कैसा दिखेगी। ये तो है VXI से बहुत ही अच्छी दिखेगी। ये आपको मैं एक एक चीज के अपडेट आपको मैं देता रहूंगा। हाँ, तो भाई चैनल पे और भी आगे वीडियो आने वाले हैं ब्रेजा से रिलेटेड, और भैया ये अपने को आगे गाइड करेंगे। और अपन DIY का भी वीडियो बनाएंगे, जो भैया बता रहे थे चक्के में अपन एलॉय लगाने वाले हैं और व्हील कैप। मार्केट होगा ज्यादातर हम खुद ही करेंगे। हाँ हाँ, और आपको हर वीडियो बताएंगे जी। तो गाइज जुड़े रहना चैनल के साथ। अगर आपको और भी ऐसी आगे ब्रेजा की वीडियोस देखने हैं तो नीचे कमेंट करके बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।